तो महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम चंद लम्हों के बाद बरेली के ग्रीन पार्क पहुंचेंगे। तब तक आ चुके हैं उनके निजी सचिव सुभाष पांडे। आइए करते हैं इनसे बात। क्या आपके साहब आजकल कर रहे हैं और आप अपने स्तर से क्या पैगाम हमारे माध्यम से देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सुभाष पांडे। गंभीर जी, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मेयर साहब इस समय 24/7 कार्य कर रहे हैं। आप पूरी बरेली के लिए उन्हें हर समय तत्पर पाएंगे। इस समय भी मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, बस वो 2 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं। आज पूरी बरेली का सैनिटाइजेशन वो स्वयं पूरे दिन भर लग कर कराएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि नगर निगम की 3-4 गाड़ियां आ चुकी हैं और लग गई हैं। बस अब हम उनका ही इंतजार कर रहे हैं और ग्रीन पार्क के गेट से हम लोग प्रारंभ करेंगे। उसके बाद में पूरा ग्रीन पार्क करते हुए, कृष्णागर करते हुए, पवन विहार करते हुए फिर सतीपुर जाएंगे। तो नमस्कार, हम मौजूद हैं बरेली के ग्रीन पार्क के मुख्य द्वार पर, विश्वविद्यालय की दीवार से सटे हुए सब्जी और पान इत्यादि के खोखों के पास। मेरे पीठ के पीछे देख रहे होंगे भीड़, इस भीड़ में भी शामिल है महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क वितरित किया जा रहा है, सैनिटाइजर नहीं है उनको सैनिटाइजर भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जागरूक करके बताया जा रहा है कोरोना की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। आइए करते हैं बात महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम से और जानते हैं किस उपलक्ष्य में वो ग्रीन पार्क पहुंचे हैं, आगे विकास का क्या है खाका। आइए मिलते हैं डॉक्टर उमेश गौतम से। पहुंच चुके हैं ग्रीन पार्क। मास्क नीचे क्यों कर रखा है? मास्क नीचे क्यों कर रखा था? देखिए, उन सब्जी वालों को भी निर्देशित किया जा रहा है जो खुद मास्क नहीं लगाते हैं। मेरे दर्शक जानना चाहेंगे आपके सिलसिले में आज ग्रीन पार्क आए हुए हैं, आपके साथ तमाम लोग हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं, सब्जी विक्रेताओं को सचेत भी किया, जागरूक भी किया, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, आज हमारे केंद्र सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसके अवसर पर पूरा जो ये हर नगला क्षेत्र है इसको सैनिटाइज कराना और यहाँ के लोगों को मास्क वितरण करना, सैनिटाइजर वितरण करना, घरों में छोटी छोटी दुकानों में सैनिटाइज कराना, इसके लिए हम आए, जिससे एक जागरूकता लोगों में बनी रहे कि अगर कोरोना कम हुआ है, दूसरी लहर में कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया। हमें मास्क लगा के ही रखना है, हो सकता है आने वाले 1-2 साल हमें मास्क लगाना ही पड़े, तो उसका एक जागरूकता अभियान भी होगा और सैनिटाइजेशन भी हो जाएगा सारे क्षेत्र में। और उसको खुद ही मैं नेतृत्व कर रहा हूँ कि पूरा हारू नगला क्षेत्र और सतीपुर क्षेत्र को आज मैं खुद ही अपने सामने सारा सैनिटाइज करूँगा और मास्क वितरण और सैनिटाइजेशन पूरे शहर के 80 वार्डों में हर गली और हर घर में हो रहा है। रामगंगा जाने का क्या उचित था, क्या देखा आपने वहाँ पे, वहाँ पर क्या सुधार हुआ है? देखिए, रामगंगा में जिस तरह की खबरें आ रही थी प्रयागराज से, कानपुर से, कि शवों को नदी में बहाया जा रहा है या उनको वहाँ दफनाया जा रहा है, तो उसके तहत हम रामगंगा गए थे। रामगंगा में हमने अपनी निगरानी समिति बनाई, जहाँ पर सारे लोग ये सुबह से लेकर रात तक वहाँ बैठते हैं और वो ये देखते हैं कि कोई भी शव नदी में प्रवाहित ना किया जाए, ना वहाँ दबाया जाए, दफनाया जाए किसी भी तरीके से। और उसके लिए हमने वहाँ जो मंदिर है, महंत जी हैं, वहाँ पर हमने लकड़ी का भी प्रावधान किया कि कोई गरीब लोग आते हैं तो उनको संस्कार करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, वहाँ की सफाई व्यवस्था बनी रहे, तो इसलिए रामगंगा पर एक अच्छा काम हो रहा है और आने वाले समय में रामगंगा पर एक तट भी अच्छा बन के रहेगा। कोरोना काल में विकास कार्य कुछ पिछड़ गए थे, लोगों ने सैटेलाइट ओवर ब्रिज का खुद ही उद्घाटन कर दिया, जो आपके विधिवत नहीं हो पाया है, क्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को पटरी पर लाने के लिए भी क्या प्रयास कर रहे हैं, कोई स्मार्ट सिटी के तहत? देखिए, लगातार अब काम शुरू हो गए हैं, बहुत तेजी से काम चल रहे हैं। चौपला पुल अगले महीने आपको जून में चलता हुआ दिखाई देने वाला है। बरेली विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है और दौड़ता रहेगा। स्मार्ट सिटी के भी रोड के काम शुरू हो गए हैं, सारे काम अब लगातार चालू हैं और बहुत जल्दी बरेली में और तेजी से विकास दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच सर। पान वालों को पराग मिल्क पार्लर भी सुन चुका।